अब आपको क्या करना है, आपका पेन कॉपी आपके पास है, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से ये चारों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करोगे बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आगे पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है, एंड खुद से सॉल्व करो, वीडियो को स्टार्ट करो और एंड तक देखो, वीडियो स्किप मत करो, मिस मत करो। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जो सीबीएसई बोर्ड चाहता है आपसे, जो पूछना चाहता है, हम उसके हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लेक्चर वीडियोस बहुत लेंदी हो रहे हैं, राइट? लेक्चर वीडियोस के बड़े होने का रीजन ही यही है। आप देख रहे हो छोटा छोटा टॉपिक हमारा एक एक घंटे तक जा रहा है। वन शॉट वीडियोस हम दो पार्ट में कवर कर रहे हैं, सात सात आठ आठ घंटे में हमारा जो है वन शॉट एक एक चैप्टर का कवर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक एक बार डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। अगर मैं स्किप कर दूं ना बच्चों एक एक क्वेश्चन, मैं आपको चार एग्जाम्पल की जगह दो एग्जाम्पल करवा सकता था। यहाँ पे सोच के देखो, ये 1 2 3 4 क्यों करवाया मैंने? एक छोटे से टॉपिक के लिए मैंने चार एग्जाम्पल्स कवर किए। व्हाई? ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए फिट एक बार, और एक बार अगर कॉन्सेप्ट फिट बैठ गया ना, चार के 400 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लोगे। लेकिन जरूरी क्या है, आपको अपना पेन कॉपी लेके बैठना है और सॉल्व करना है। ये सब ऐसे टाइम पास नहीं करना है, वीडियो देख रहे हैं ऐसे, मतलब जैसे ठीक है कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। पढ़ने के लिए बैठे हो आप, इसको आप क्लासरूम के जैसे ट्रीट करो, जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो उस तरीके से ही ट्रीट करना है आपको। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है सीरियस नोट पे, किसी ऐसी जगह पे जाके बैठो जहां शांति हो, जहां शोर नहीं हो आसपास का। डिस्ट्रैक्शन अगर होगा तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे आप इन चीजों पे। आपको ध्यान रखना है कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, बार बार बोल रहा हूं, और सॉल्व करना है, तब जाके मजा आएगा वीडियो एंड तक देखने में। ठीक है, हम एक भी चीज स्किप नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो, देखो कितना मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है,